आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कोसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। If the first circular row has 30 seats, then how many seats will be there in the 10th row? The question is from arithmetic progression. अब question के according अगर आप देखें तो हर बार 10 seats ज्यादा हो रही हैं और first term क्या है 30 है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं question में क्या given है हमें। According to the question, A की value है 30, ठीक है? Difference कितना आ रहा है? 10-10 का आ रहा है। तो question में अब करना ही क्या है? So number of seats in 10th row पूछा है ना हमसे। निकाल लेते हैं इसको, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब तो ये नंबर ऑफ सीट्स इन 10th रो, 10th का मतलब n की वैल्यू 10 गिवन है हमें। जनरल टर्म फॉर्मूला यूज किया जाएगा ap का, विच इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ठीक है? तो अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। a 10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 30, n की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू अगेन 10, ठीक है? ए 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 1 90, तो ये 30 प्लस 90 ए 10 की वैल्यू आ गई 120। मींस 10th रो में कितनी सीट्स होंगी, 10th रो में 120 सीट्स होंगी। दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।